हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोफी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही बढ़िया जॉब की डिटेल्स में दी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूपीएससी के तरफ से बहुत सारे पोस्ट निकला है, उसका डिटेल्स मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा। यूपीएससी के तरफ से जो जो पोस्ट यहाँ पर निकला है उसका भी डिटेल यहाँ पर आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटेरियन असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जॉब निकला हुआ है, जिसके लिए आपको यहाँ पे पास होने वाला है 12th पास, जिसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। मिनिमम एज जो है 18 एंड मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे है 27 ईयर्स तक आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है पोस्टल असिस्टेंट के लिए, जिसके लिए आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए 12th पास एंड मिनिमम एज है 18 एंड मैक्सिमम एज है 27। उसके बाद जो पोस्ट यहाँ पर निकला हुआ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, जिसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर के सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो पोस्ट यहाँ पर निकला डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अगर एप्लीकेशन करना चाहते तो आपके यहाँ पे 12th पास होना चाहिए। इसके साथ साथ वो लेवल के यहाँ पे आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट के क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते सॉरी फ्रेंड, मिनिमम एज लिमिट जो है यहाँ पे 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 27 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए तरफ से जो जो पोस्ट निकला इस सब पोस्ट के लिए आपको एज रिडक्शन मिल जाए। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे सिलेक्शन कैंडिडेट जो सिलेक्शन होने वाला है उसके लिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर एग्जाम देना होगा, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन पा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ एप्लीकेशन करने के लिए मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए 100 रुपीज़ आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। लास्ट डेट रहेगा इसका 5th अप्रैल 2019, उसके पहले यहाँ पे एप्लीकेशन कर देना पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हो। अगर आप लोगों को पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड।